रोटी रोटी और रिजक अल्लाह देता है, समझ रहे हैं आप? किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जियो से? जी आपका जियो नंबर है 91, ये नंबर आप ही यूज करते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल मैं यूज कर रहा हूँ। ये कॉल सर आपके द्वारा किए गए पोर्ट आउट रिक्वेस्ट से संबंधित है, क्या यह सही समय है आपसे बात करने के? बिल्कुल सही समय है सर, गाड़ी रोक लिया मैंने। धन्यवाद सर, क्या मैं पोर्ट आउट करने का रीजन जान सकता हूँ? सर रीजन ये है कि जो हमारे देश के अंदर फार्मर हैं, जो हमारे किसान हैं, उन किसानों को इतनी परेशानी हो रही है, तो किसानों ने आह्वान किया है सिम को पोर्ट आउट करने का, जियो छोड़ने का। तो सर इसलिए मैंने और मेरे जितने साथी थे, मेरे सारे क्लिक जितने भी थे, सब लोगों ने जियो को अभी पिछले आधे घंटे में दूसरी कंपनी के शोरूम में जाके रिक्वेस्ट दे दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जियो हमेशा अपने कस्टमर को सर बेस्ट वैल्यू सर्विस देता आया है और देते भी रहेंगे। सर बिल्कुल आप वसीम साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जियो ने बहुत बेस्ट सर्विस दी है, लेकिन कहानी है ना कि जियो ने पहले पहले फ्री दिया था, सब कुछ फ्री दे रहा था जियो, उसके बाद में 150, उसके बाद में 300, उसके बाद में 500, कहाँ फ्री कहाँ है। और बेस्ट सर्विस की बात अगर आप कर रहे हैं, तो बेस्ट सर्विस हमारे जो देश के अंदर किसान है उनका क्या हाल है, ये भी आप जानते होंगे। सर मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम गांव और शहरों में सर सर्विस को बेहतर करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। हाँ तो हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप हमारे बेहतर नेटवर्क और सर्वश्रेष्ठ 4G डेटा का आनंद लेते रहिए सर। नहीं सर, आनंद नहीं लेंगे हम, बिल्कुल आनंद नहीं लेना चाहते हम। आनंद वो जो लोग लेते हैं वो बीमार हो जाते हैं सर। हम किसानों के साथ हैं, किसानों के समर्थन के अंदर हैं, किसान के साथ में जाके रात रात को हम बैठेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जियो नहीं लेंगे हम, और जितने बचे खुचे नंबर है वो भी पोर्ट कराएंगे अभी हम दूसरी कंपनियों में। सर जियो हमेशा अपने कस्टमर को सर पूरे भारत में बेस्ट वैल्यू सर्विस देते आए हैं और देते भी रहेंगे सर। अरे सर जियो तो दे रही है, लेकिन अभी आप देख रहे हो ना कितनी सारी कंपनियां बंद हो गई, ठीक है? अब वो जब सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, जियो बोलेगा 1000 का है भैया रिचार्ज, कराना है कराओ नहीं तो घर जाओ। क्या गारंटी है कि जियो हमेशा 599 वाला आगे रेट नहीं बढ़ाएगा? वो सरकार ने स्पेक्ट्रम ये कर दिया, कनेक्टिविटी चार्ज जो होते हैं उसको बोलने लगे कि जी वो भी देना पड़ेगा। क्या क्या देना पड़ेगा आम जनता को भैया? कि सरकार रिवर्स कर लेगी तो हम रेट घटा देंगे, सरकार कैसे रिवर्स करेगी? सरकार तो आप लोगों की चल रही है, बताइए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सर कृपया हमारे बेहतर नेटवर्क और सर्वश्रेष्ठ 4G डेटा का आनंद लीजिए। अरे सर सर्वश्रेष्ठ 4G डेटा बोल रहे हो आप? आपसे तेज तो दूसरी कंपनियों का चल रहा है, आपकी कंपनी का नेट लगाओ बफरिंग मार जाता है। आप बता रहे हो सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा आप मुझे एक बार बताएंगे क्या है? उत्तम अति उत्तम, सबसे बेहतरीन। आप दावा कर रहे हैं कि वो सबसे बेहतरीन है, मेरे इलाके आइए, मेरे मोहल्ले में आइए, वहां आपको पता चलेगा कि कितना बेहतरीन है वो। और सर देखिए के साथ कंटिन्यू करेंगे ना सर आप? नहीं सर नहीं नहीं, जियो के साथ कंटिन्यू नहीं करना, जियो के साथ कंटिन्यू करेंगे आप? जियो के साथ कंटिन्यू करेंगे आप? ये तो पहले फेंक चुके हैं। और भाई साहब और रास्ते में रोक रोक के पूछवाऊं लोगों से? एक मिनट भाई साहब, आशा करूंगा सर आप 90 दिनों के बाद अब जियो में फिर से वापस आ सकते हैं। अरे नहीं सर, जियो में वापस नहीं आएंगे, जियो में 90 दिन क्या, कभी वापस नहीं आएंगे जियो में। जियो में समय देने के लिए धन्यवाद सर, आपका समय शुभ हो सर। आपका दिन भी शुभ हो, मेरी आपसे जाती कोई लड़ाई नहीं है, आपके दिन अच्छे हो, लेकिन आप भी एक काम करें, इस कंपनी को जल्दी से जल्दी रिजाइन करें आप, क्योंकि आपके पिता आपके दादा कहीं ना कहीं किसान होंगे, या आपके परदादा कभी ना कभी किसान रहे होंगे, समझ रहे हैं आप मेरी बात वसीम साहब? जियो में समय देने के लिए धन्यवाद सर, आपका सही बात है सर। मैं समझ सकता हूँ कि आप भी बंधे हुए हैं ना, आप खाली जियो के अलावा कुछ बात ही नहीं कर सकते। अरे रोटी रोटी और रिजक अल्लाह देता है, समझ रहे हैं आप? किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो रिजक देने वाला ना, आप ये डर रहे हैं कि आपकी जॉब चली जाएगी अगर आपने कुछ बोला, तो आप अल्लाह पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, गॉड पे भरोसा रखिए, वो आपको रिजक पहुंचाएगा
रोटी देगा। इतने इतने जमीर को कमजोर नहीं करना करना चाहिए कि इंसान इंसान इतना बड़ा हो गया। लेकिन हम ये बात भी समझते हैं कि हर किसी के परिवार की समस्याएं होती हैं, जॉब बड़ी मुश्किल से मिल रही है। 2 करोड़ जॉब का वादा किया था, 4-4, 3-3 करोड़ लोग सड़कों पे घूम रहे हैं आज के टाइम में बेरोजगार होके, बताइए। सर हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि सर कृपया हमारे नेटवर्क और सर्वश्रेष्ठ 4G डेटा का आनंद लेते रहिए। आपको नहीं सर, नहीं 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 लेना सर, नहीं लेना। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।